अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रोल ऑफ एब्सेसिक एसिड इन बड डरमेंसी। तो पहले हम बड डरमेंसी को लेते हैं कि बड डरमेंसी का क्या मतलब है। देखो, बड की ग्रोथ का इनहिबिट हो जाना, बड की ग्रोथ का स्टॉप हो जाना, बट टेम्परेरी, कुछ वक्त के लिए, नॉट परमानेंट, तो उसको बड डरमेंसी कहा जाता है। अब ये हार्मोन जो है ये बड डरमेंसी को प्रमोट करती हैं। अब ये हार्मोन बड की ग्रोथ को इनहिबिट करती हैं, स्टॉप करती हैं, बाय इनहिबिटिंग सेल डिवीजन एंड सेल एलंगेशन। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अब ये हार्मोन जो है ये क्यों बड डरमेंसी को प्रमोट करती है, बड की ग्रोथ को इनहिबिट करती है। देखो, मैं प्रीवियस वीडियोज में भी बता चुका हूं, अब ये हार्मोन को स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है, स्ट्रेस हार्मोन, क्योंकि जब भी किसी प्लांट पर इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस आ जाते हैं तो उस दौरान अब ये हार्मोन एक्टिवेट हो जाते हैं और उस इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस को रिस्पांस देती हैं, उसका मुकाबला करती हैं। तो अब ये जो है ये स्ट्रेस कंडीशन में बड डरमेंसी को प्रमोट करती है, बड की ग्रोथ को इनहिबिट करती है, ताकि जो प्लांट है वो उसमें जो मौजूद रिसोर्सेज है उसको कंजर्व कर सकें और स्ट्रेस कंडीशन का मुकाबला कर सकें, स्ट्रेस कंडीशन में अपने आप को सर्वाइव कर सकें। मैं एग्जांपल देता हूं, अब यह हार्मोन जो है ये टेम्परेट ट्री स्पीशीज में, इस पर जब ऑटम सीजन आ जाती है यानी खजान आ जाती है तो इसके जो शूट बर्ड्स होते हैं ये डारमेंट फेज में चले जाते हैं, यानी इसकी ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो ये किसकी वजह से, अब यह हार्मोन की वजह से। अब ये हार्मोन जो है वो टेम्परेट ट्री स्पीशीज में शूट बर्ड्स की ग्रोथ को इनहिबिट कर लेती है, स्टॉप कर लेती है, स्पेशली ऑटम सीजन में, खजान में। तो ऐसा क्यों होता है, देखो टेम्परेट ट्री स्पीशीज जो है इस पर जब ऑटम आ जाती हैं तो इसके लिए कंडीशन अनफेवरेबल हो जाते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रेस कंडीशन इस पर आ जाते हैं, या वाटर की डिफिशियंसी हो जाती है, या टेम्परेचर इंतहाई लो हो जाता है, एटसेट्रा। तो अब ये जो है ये एक्टिवेट हो जाती है ऑटम सीजन में और शूट बर्ड्स की ग्रोथ को इनहिबिट कर लेती हैं, स्टॉप कर लेती हैं, ताकि ये जो टेम्परेट ट्री स्पीशीज हैं इसमें जो मौजूद रिसोर्सेज हैं ये उसको कंजर्व कर सकें और स्ट्रेस कंडीशन का मुकाबला कर सकें, स्ट्रेस कंडीशन में अपने आप को सर्वाइव कर सकें। जब इस पर स्प्रिंग आ जाती है, स्प्रिंग सीजन आ जाती है, तो अब ये हार्मोन जो है ये इनएक्टिव हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं और ये जो शूट बर्ड्स हैं इसकी ग्रोथ एक्टिवेट हो जाती है, यानी ये ग्रो होना स्टार्ट कर लेती हैं। तो अब ये हार्मोन जो है ये स्ट्रेस कंडीशन में बड डरमेंसी को प्रमोट करती है, बड की ग्रोथ को इनहिबिट करती हैं। तो ये था रोल ऑफ एब्सेसिक एसिड इन बड डरमेंसी। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।